हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए व्लॉग में। आज की वीडियो कुछ खास तो नहीं है। आज मेरी फूफी का लड़का मेरे साथ है। ये कहाँ से आया बेटा तुम? रोजा गांव। क्या नाम है तुम्हारा? तो इनका नाम फहद है। ये मुझसे कह रहे थे कि इन्हें एक स्मार्टफोन चाहिए, तो इनको लगभग 6000 रुपये का एक स्मार्टफोन चाहिए था। आपको कितने रुपये का स्मार्टफोन चाहिए? 6000। तो ये मेरी फूफी का लड़का फहद काफ़ी दूर से आया है और मुझसे इसने 6000 रुपये के आसपास का एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए बोला। तो मैंने सोचा चलो तुम्हें दिला देंगे और इसी बहाने एक व्लॉग भी बना लेंगे, ताकि अगर आप लोग भी चाहते हो 6000 के आसपास का कोई स्मार्टफोन लेना जो काफ़ी अच्छा हो, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले चलिए इनको चलते हैं, स्मार्टफोन दिलाते हैं और उसके बाद करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग और फिर आपको बताते हैं कि वो स्मार्टफोन कैसा है। तो दोस्तों, हम लोग दुकान पर आ चुके हैं इनका स्मार्टफोन खरीदने के लिए। तो दोस्तों, ये है हमारा स्मार्टफोन का बॉक्स, जिसमें सबसे ऊपर सैमसंग गैलेक्सी J2 कोर और बीच में बड़ा सा J2 कोर लिखा हुआ है। ये बॉक्स काफी अच्छे कलर का है। 6000 की प्राइस रेंज में मुझे ये सबसे अच्छा स्मार्टफोन लगा। पीछे की तरफ डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं, जैसे 5 इंच की QHD डिस्प्ले और इसमें सबसे अच्छा फीचर ये है कि आप अपने एप्लीकेशंस को SD कार्ड में मूव कर सकते हैं, जो नॉर्मली स्मार्टफोन्स में नहीं दिया होता है। इसमें 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। इसके अलावा ये एंड्रॉयड ओरियो पर काम करता है। आपको इसमें 1GB रैम, 8GB इंटरनल मेमोरी, 2600mAh की बैटरी और 4G तो मिलता ही है। तो दोस्तों, इसके अलावा बॉक्स में देखने लायक कुछ नहीं है। ये फोन भी मेड इन इंडिया है। पीछे इसका प्राइस दिया हुआ है जो कि 7000 है, लेकिन हमें ये केवल 6400 रुपए में मिला है। तो चलिए अब इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं। सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है डिवाइस, जो कि हमने ब्लैक कलर का परचेज किया है। इसके अलावा क्विक स्टार्ट गाइड, जिन्हें पढ़ने का कुछ खास फायदा नहीं, और डाटा केबल, काफी छोटा चार्जर ये लोग देते हैं। इन्हें शायद नहीं पता कि हम लोग बहुत देर तक स्मार्टफोन का यूज करते हैं, तो चार्जर बड़ा देना चाहिए, लेकिन ये लोग चार्जर छोटा देते हैं। इसके अलावा हमें एक 5V का अडाप्टर मिलता है। इस स्मार्टफोन के लिए ये अडाप्टर सही है। अब मैं आपको ये स्मार्टफोन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये हमारा स्मार्टफोन स्टार्ट हो रहा है। तो ये है हमारा कंप्लीट स्मार्टफोन स्टार्ट होने के बाद, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। पीछे की तरफ से सैमसंग ने इसका डिज़ाइन बदल दिया है। आपको इसमें फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा, हमने एक स्मार्टफोन खरीद लिया है। इस वक्त हम पार्क में टहल रहे हैं और वो स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं। अब इस स्मार्टफोन के कैमरे की क्वालिटी भी आपको दिखानी चाहिए। तो जल्दी से हम यहाँ पर कुछ अच्छे से फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे और आपको उस स्मार्टफोन की क्वालिटी दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप देखिए आप इन फोटोज को। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा व्लॉग मेरे कजिन के स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। बेटा फोटो ना खींचो, देखिए पीछे जुटे हुए फोटो खींचने में। नया नया फूल लिया है, बच्चे का शौक चढ़ रहा है। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही हमारे पुराने चैनल अल्फा फैक्ट्स को भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो।